कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे सो so, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईद आ रही है और ईद पर खास तौर पर लड़कियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मेकअप जैसा उनका ड्रेस होता है वो उसके हिसाब से वो मेकअप करना चाहती हैं ठीक है कुछ गर्ल्स को मेकअप करना नहीं आता ठीक है कुछ गर्ल्स को मेकअप करना आता है लेकिन थोड़ा बहुत आता है ठीक है कुछ को अच्छी तरह भी आता है ठीक है गर्ल्स को मेकअप करने में प्रॉब्लम होती है और सो so, जिन गर्ल्स को मेकअप करने में प्रॉब्लम होती है और जिनको पता नहीं होता स्टेप बाय स्टेप क्या करना है सो so आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाली है सो so, अगर आप लोग भी अपनी ईद को अच्छा करना चाहते हैं सो so, अगर आप सो so, अगर आप लोग भी अपनी ईद को अच्छा बनाना चाहते हैं सो so, आज की वीडियो एंड तक देखिएगा और और टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा तो हम आज की वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं ठीक है सबसे पहले ना मैंने लिप बाम लगा लिया था अपने लिप्स पर ठीक है ताकि एंड तक मेकअप के एंड तक जो हमारे लिप्स हैं ना वो ड्राई ना हो और फ्रेश रहें ठीक है उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है अगर आप कोई सा भी लोशन यूज करते हैं ठीक है मैं ये बेबी लोशन यूज करती हूँ क्योंकि ये मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है इसीलिए इससे ये होता है कि क्योंकि ये मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है इसीलिए मैं ये यूज करती हूँ ठीक है अगर आप के पास अगर आप लोगों के पास जो भी लोशन हो ना तो वो आप यूज कर सकते हैं ठीक है ठीके? कोई भी लोशन आप यूज कर सकते हैं जो आपके फेस के लिए सही हो ठीक है so, सो जो ये लोशन होता है ना इससे आप अपने फेस को मॉइस्चराइज कर सकते हैं ठीक है सो मेकअप so, करने से पहले कोई भी मेकअप करने से पहले ईद का मेकअप शादी का मेकअप गेट टूगेदर बर्थडे मेकअप कोई भी मेकअप करने से पहले आपने अपने फेस पे लोशन ज़रूर लगा लेना है ताकि जो आपकी स्किन है वो मॉइस्चराइज्ड हो सके और आपका जो मेकअप है ना वो आपका मेकअप काफ़ी टाइम तक टिक सके सो so, लोशन मैंने लगा लिया था लोशन के बाद मैंने लगाना है प्राइमर ठीक है मैं प्राइमर यूज कर रही हूं अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो आप उसके हिसाब से प्राइमर यूज करें अगर ऑयली स्किन है तो आप ये प्राइमर यूज कर सकते हैं ठीक है मैं ऑयली मेरी जो मेरी स्किन है वो ऑयली है सो मैंने प्राइमर जो है वो यूज किया आप अपने अपने चिक्स पर आपने प्राइमर यूज करना है ठीक है ताकि जो मेकअप होता है ना वो आपके पोर्स में ना जा सके ठीक है सो so, अच्छे से आपने अपने पर प्राइमर यूज कर लिया चिन्ह पर कर लिया प्राइमर यूज ठीक है अच्छे से आप उसको प्राइमर को लगा लें अपने फेस के ऊपर अच्छे से प्राइमर लगा लिया मैं आपके सामने ही अच्छे से प्राइमर मैंने अपनी जो चिक्स है वहां पे लगा लिया और अपनी जो चिन है वहां पे मैंने अच्छे से प्राइमर को यूज कर लिया देन हमारी बारी आ जाती है फाउंडेशन की यहाँ आप लोग अगर स्टिक भी यूज करते हैं मैं बहुत मैं दोनों चीजें यूज करती हूँ सो so, मैं कभी फाउंडेशन यूज करती हूँ कभी स्टिक स्टिक मुझे कोई पसंद आ जाए तो वो मैं यूज करती हूँ वरना नहीं ठीक है अगर आप लोग फाउंडेशन यूज करते हैं तो फाउंडेशन लगा लें ठीक है अगर आप लोग स्टिक इस तरह की स्टिक यूज करते हैं तो स्टिक लगा लें सो so, आज मैं यूज करने वाली हूँ स्टिक ठीक है स्टिक से स्टिक ले लिया आपने स्टिक को अच्छे से अपने अपने फेस के ऊपर लगा लेना ठीक है अपनी चिक्स पे लगा लिया अपनी चिन पे लगा लिया और अपने हेड पे लगा लिया अच्छे से आपने लगा लिया देख रहे हैं आप लोग में अच्छे से आपके सामने ही ना अच्छे से अप, अपने सो so, आप लोग देख रहे हैं मैं आपके सामने अच्छे से ना फाउंडेशन को लगा रही हूँ ठीक है फाउंडेशन लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है की आप ले लेना है कंसीलर ठीक है कंसीलर भी हर तरह का होता है ठीक है कंसीलर ले लिया कंसीलर को आपने अंडर आईज पे लगाना है सबसे पहले ठीक है और जहाँ जो, जो आपके जो डार्क एरियाज होते हैं जहां आपके स्पॉट्स होते हैं फेस के ऊपर वहां पे आपने कवरेज कर लेनी है अच्छे से कंसील से ठीक है आप देख रहे हैं मैं अपनी स्माइली लाइंस पे लगा रही हूँ और अंडर आइस पे मैंने लगा लिया और जहां जहां आपके स्पॉट्स होंगे वहां पे आपने कंसीलर लगा लेना है ठीक है न, आ, फाउंडेशन या स्टिक लगाने के बाद कंसीलर लगा लिया कंसीलर लगाने के बाद आपने करना है एक ब्लेंडर ले लेना है ठीक है आपके सामने है, ब्लेंडर को अच्छे से ना थोड़ा सा गीला कर गीला करने के बाद टिश्यू से अच्छे से उसको ना साफ कर ठीक है ताकि वो गीला इतना ज्यादा गीला ना रहे बस आपको महसूस हो कि हाँ गीला है ठीक है उसके बाद आपने अच्छे से अपने फेस पे ब्लैंडिंग स्टार्ट कर देनी है सो so, मैं आप लोगों के सामने ही ब्लेंडिंग जो है वो कर रही हूँ अपने फेस की देख जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी देर तक आपका जो मेकअप है ना वो टिक सकेगा ठीक है आप लोगों ने ये जो बात है ना अपनी माइंड में रखनी है ठीक है जितनी अच्छी ब्लैंडिंग होगी ना आपके फेस की आपके मेकअप की इतनी देर तक जो आपका जो मेकअप है वो टिक सकेगा ठीक है अच्छे से देख रहे हैं आप लोग मैंने जो कंसील लगाया था उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और जो मैंने फाउंडेशन यूज़ की थी उसको भी अच्छे से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ ठीक है अच्छे से आपने जो फेस की ना ब्लेंडिंग कर लेनी है ब्लेंडिंग करने के बाद हमारे पास जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास पाउडर ठीक है पाउडर आप जो बेस पाउडर होता है बेस पाउडर जो होता है बेस पाउडर को आपने अपनी आईज के इन साइड पर इनर कॉर्नर पे आपने जो बेस पाउडर होता है उसको आपने अपनी आईज के नीचे लगा लेना है अपने जो डार्क सर्कल एरियाज होते हैं वहाँ पे लगा लिया और अच्छे से अपने फेस के ऊपर बेस पाउडर को अच्छे से अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है ठीक है अच्छे से आप लोगों तो के सामने में ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ आप स्पंज की हेल्प से भी कर सकते हैं ठीक है थीके? जो चीज़ आपको अवेलेबल है आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं ठीक है थीके? सो so, मैं ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ पाउडर अच्छे से मैंने अपने फेस के ऊपर एबजॉर्ब कर लिया ठीक है आई इसके नीचे थोड़ा सा ज्यादा लगा लें क्योंकि जब हम अपने शेड्स लगाते हैं तो वहाँ पे हेल्प करता है ये हमारा पाउडर लोगों के सामने ही जो पाउडर है वो मैंने लगा लिया अपने फेस के ऊपर देख रहे हैं आप लोग अच्छे से इसको भी ब्लेंड कर लेना आपने ठीक है फेस पे पूरे फेस पे पाउडर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया ठीक है ताकि वो फेक ना लगे सो so, उसके बाद आपने क्या कर लेना ले है इस तरह के अगर आपके पास कॉम्ब हो तो आप ले लें ले। जो आईब्रो कॉम्ब होती है ठीक है आईब्रो कॉम्ब ले लिया अच्छे से अपने जो आईब्रोज है उनको सेट कर लें ठीक है सेट करने के बाद आपने कर लेना है अगर आपके जो हेयर है ना वो ब्राउन है या किसी और कलर के हैं तो उसी हिसाब से आप अपने आईब्रोज को डार्क करें ठीक है सो मैं ब्लैक करती हूँ ज्यादातर ज्यादा ब्लैक नहीं जो ग्रे ज्यादा ब्लैक नहीं करती तो नॉर्मल ब्लैक करती हूँ ठीक है सो so, मैं ब्लैक कर रही हूं आप लोग ब्राउन या ब्लैक ये दो बेस्ट होते हैं ठीक है आप लोग दोनों में से एक कर सकते हैं जी आईब्रो सेट करने के बाद हमारी बारी आ जाती है शेड्स की सो मैंने अपने ना आइस पेस्ट जो शेड्स हैं वो लगा लिए थे जल्दी से ठीक है अच्छे से ब्लेंडिंग भी कर ली थी सो आपने कोई सा लाइट ब्राउन शेड ले लेना है ठीक है कोई भी शेड यूज करने से पहले आपने उसके नीचे हल्का सा लाइट ब्राउन शेड जरूर लगाना है ठीक है सो आप लोगों के सामने ना नीचे मैंने लाइट ब्राउन शेड यूज किया था आप लोगों को दिखाया मैंने उसके बाद मैंने ना ब्लैक यूज कर लिया था क्योंकि मेरा जो ड्रेस था वो ब्लैक कलर का था सो मैंने ब्लैक यूज किया ठीक है नीचे ब्राउन ऊपर ब्लैक आप दोनों देख रहे हैं कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा है ठीक है और यूनिक सा लग रहा है नो मेकअप लुक भी लग रही है ठीक है कोई ओवर नहीं लग रहा कोई शादी पे जाने वाला मेकअप नहीं लग रहा ठीक है नॉर्मल मेकअप लग रहा है और प्यारा लग रहा है डिसेंट लुक आ रही है सो मैंने शेड्स जो थे वो मैंने ब्लैक यूज किए थे अपनी आईज के इनर्स भी इनर्स कॉर्नर्स पे भी और ऊपर भी अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेगी अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली थी जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी ना आप लोगों की उतना ही अच्छा आपका जो आई शेडोज है वो लगेंगे सो so, आईज कंप्लीट हो गई थी मेरी उसके बाद जो मैं कर रही थी ब्लश ऑन ब्लश ऑन की बारी आ गई थी ब्लश ऑन को आपने याद रखना है सी शेप में सी शेप में आपने अपने जो ब्लश है उसको ब्लश करना है ठीक है अच्छे से सी शेप में, में आप लोगों के सामने देख रहे हैं आप लोग मेरे बालों को भी थोड़ा सा लग गया था सो अच्छे से आपने सी शेप में ब्लैंडिंग कर लेनी है अपने चिक्स पर ठीक है ब्लश यूज कर लेना है आपने ब्लश यूज कर लिया मैंने आप लोगों के सामने है ठीक है मेरी लिपस्टिक रह गई थी सो आप लोगों के सामने मेरी लिपस्टिक रह गई थी सो अब हम अपनी जो लिपस्टिक है वो यूज करेंगे ठीक है जो लिपस्टिक आपको पसंद है वो आपने लगानी है ठीक है आप लोगों के सामने ही मैंने जो मेरी लिपस्टिक है वो भी डन कर ली है सो मेरा मेकअप जो आज का था ना वो नूड मेकअप था ठीक है और बहुत प्यारा लग रहा था सो आप लोगों के सामने ही है सो so, जो मेरा आज का मेकअप लुक है ना वो आप लोगों के सामने ही है मैंने कोई ओवर मेकअप नहीं किया हुआ कोई ओवर लोडेड मेकअप नहीं किया हुआ कि हम शादी पे जा रहे हैं ठीक है सी लुक क्रिएट की है ठीक है अगर जिनका ब्लैक ड्रेस है ईद के ऊपर वेल एंड गुड उनके साथ तो ये मेकअप बेस्ट रहेगा और जिनके किसी और कलर का ड्रेस है तो वो भी इस हिसाब से मेकअप कर सकते हैं ठीक है सो so, जो मेरी आज की लुक है वो आप लोगों के सामने है ठीक है आ, मैंने इयर भी पहन लिए थे मैंने चूड़िया भी पहन ली थी और मैंने फुल ड्रेस भी पहन लिया था सो so, so, सो मेरी फाइनल लुक है वो आप लोगों के सामने है उम्मीद करती हूँ आज का विलोक है जो मेरा आज का मेकअप लुक है वो आपकी ईद अच्छी बना देगा सो so, आप लोगों ने मेरी जो वीडियो है वो एंड तक देखनी है और अगर आप लोगों को मेरा जो आज का विलोक है वो पसंद आया हो तो आप लोगों ने क्या करना है लाइक करना है कमेंट करना है शेयर करना है एंड 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 में सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना ताकि आप लोग मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें ठीक है अब अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाफिज